दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार से मांग की है कि मुंडका अग्निकांड की हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच कराई जाए। उन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ी देरी से पहुंचने, बिल्डिंग के फायर क्लियरेंस और अन्य नियमों के उल्लंघन की भी जाँच कराने की मांग की है। साथ ही सभी मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की मदद देने और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने खास तौर पर दिल्ली सरकार के अधिकारियों और फायर विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। बिधूड़ी ने कहा कि इस बात की भी जांच की जानी चाहिए कि फायर ब्रिगेड देर से क्यों पहुंची। घटना की सूचना 4:40 पर दी गई थी और कैट्स एम्बुलेंस को सूचना 4:48 पर मिली, लेकिन उसके बाद वहां मौजूद लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड 1 घंटा देरी से आई, यहां तक कि पुलिस को रेस्क्यू ऑपरेशन स्थानीय लोगों की मदद से चलाना पड़ा। लोगों का ये कहना है कि फायर ब्रिगेड को 4:40 पर सूचना दे दी गई और फायर ब्रिगेड 1 घंटा देरी से पहुंची। उससे पहले बचाव का काम लोकल पुलिस और क्षेत्र के लोग कर रहे थे। मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि ये हाई लाइट बिल्डिंग थी, फायर ब्रिगेड के पास क्या लोगों को बचाने के लिए क्रेन थी? मौके पर समय पर क्रेन क्यों नहीं पहुंची? एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हमारी फायर ब्रिगेड जो है आधुनिक यंत्रों से पूरी तरह से लैस है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वहां क्रेन तो पहुंची नहीं। अगर समय पर क्रेन पहुंचती तो काफी उसमें लोगों की जान बच सकती थी। बिधूड़ी ने कहा कि 2 दमकलकर्मी भी इस घटना में मारे गए हैं और मृतकों की संख्या 30 मानी जा रही है, लेकिन जो 29 लोग लापता हैं, उनके बारे में सरकार तुरंत स्पष्टीकरण दे। ऐसी दुखद घटनाएं दिल्ली के माथे पर कलंक है। यह हादसा उपहार कांड जैसा ही है और इसमें साफ है कि उपहार कांड के बाद जो सिफारिशें की गई थी उन पर अमल नहीं किया गया।